एटा जनपद में एटा सदर सीट से बसपा के प्रत्याशी अजय यादव और अलीगंज विधानसभा सीट से सत्यपाल सिंह राठौर ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। बता दें कि एटा सदर विधानसभा क्षेत्र में 104 से बसपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय यादव ने नामांकन दाखिल किया है। अजय यादव दो दिन पूर्व ही सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। अजय यादव ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पर अपमानित करने का आरोप लगाकर सपा से इस्तीफा दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि जनपद की इसी 104 अलीगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह राठौर ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। सत्यपाल सिंह यादव वर्तमान में अलीगंज से बीजेपी के निवर्तमान विधायक है। नामांकन के बाद सत्यपाल सिंह राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वे विकास के नाम पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज जो है पहले मैंने जिन्होंने संविधान की रचयिता की है उनको नमन करने गया था मलावन, और मलावन में बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई लोग जो है वहाँ नॉमिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि हम जो है पालन करने वाले हैं, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करेंगे, कोरोना का पालन करेंगे, इसलिए हम लोगों से मना करके आए। फिर भी जो है बहुत सी तादाद में हमारे साथी जिनका मन नहीं माना वो आ गए सड़कों पे। नामांकन किया है, चुनाव जीत रहे हैं, अपने जो पिछले कार्यकाल में कार्य कराए हैं जनता का पर भरोसा है और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं विधायक जी? मुख्य मुद्दा तो आपको अलीगंज में रहा ही नहीं, मुद्दा क्या है? कानून व्यवस्था का था, कानून व्यवस्था का राज है। आप पर वोट कटवाने का आरोप लगता रहा है कि आपने 60,000 वोट जो है कटवा दिए है, क्या वजह रही है वो? और ये आप लोग उसकी जानकारी करिए, तह में जाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/